दुनिया में सबसे बड़े सांप। सबसे बड़ी प्रजाति सांपों में एनाकोंडा की मानी जाती है। ये प्रजाति सबसे बड़ी होने के साथ साथ बहुत ही घातक भी होती है। ये प्रजाति साउथ दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये सांप इतने बड़े होते हैं कि गायें, बकरी और इंसान को एक बार में ही खा सकते हैं। इसी वजह से इन्हें बहुत ही खतरनाक सांप माना जाता है। लेकिन इन प्रजाति के सांपों को देखना आजकल बहुत ही दुर्लभ हो गया है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही 5 सांपों के बारे में बताने वाले हैं जिनको विशालकाय सांपों में गिना जाता है और जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्हीं सांपों में सबसे नंबर 1 पर है 30 फीट लंबा एनाकोंडा सांप। ये 30 फीट लंबा एनाकोंडा सांप दुनिया में पाए गए सभी सांपों में सबसे लंबा सांप था। इस एनाकोंडा सांप को ब्राजील में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा गया था। उस दौरान वहां पर जब एक इमारत को गिराया गया तो वहां पर जो मलवा गिरा था वो अपने आप ही हिलने लगा। जब वहां के मजदूर आगे बढ़े तो उन्हें बहुत ही बड़ा एनाकोंडा दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद वो सभी इधर उधर भागने लगे। वहां पर हड़कंप सा मच गया। लेकिन वहां पर एक इंजीनियर ने बड़ी ही सूझबूझ से काम लिया। उसने उस एनाकोंडा की पूंछ को बांधकर एक 3 मंजिला ऊंची क्रेन से उठा लिया। लेकिन दोस्तों, सांप की लंबाई इससे भी ज्यादा थी, जिस वजह से सांप का मुंह अभी भी जमीन पर लग रहा था। उस समय इस सांप की वीडियो भी रिकॉर्ड की गई थी, जिस वीडियो में इस सांप को दिखाया गया था। इस सांप की लंबाई 33 फीट और मोटाई 31x2 फीट थी और इस सांप का वजन लगभग 400 किलो था। लेकिन ये सांप इसके ऊपर मलवा गिरने से और क्रेन के बाद उठाए जाने से जिंदा नहीं बच सका। लेकिन इस सांप को देखने से यह पता चलता है कि प्रकृति की रचना कितनी अद्भुत होने के साथ साथ अनोखी भी है। नंबर 2 पर है ब्राजील रिवर एनाकोंडा। ब्राजील की नदी में कुछ लोग घूमने निकले थे। उस दौरान उनका सामना एक विशाल एनाकोंडा से हुआ था जो उनकी नौका यानी नाव के आसपास घूम रहा था। लेकिन उस एनाकोंडा ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उस एनाकोंडा का उस समय पेट फूला हुआ था, जिससे पता चल रहा था कि उसने अभी अभी किसी बड़े जानवर को अपना निवाला बनाया है। लेकिन इस वीडियो को देखने से यह पता चलता है कि जो नाव को चला रहा था उसने कई बार सांप को पकड़ने की कोशिश करी। उस समय इस वीडियो को कई न्यूज चैनल्स ने भी कवर किया था। इंक्वायरी होने के बाद सांप को परेशान करने के जुर्म में इन तीनों नाव सवारों को $600 का जुर्माना और 16 महीने की जेल भी हुई। नंबर 3 पर आता है दोस्तों मेड्यूसा। 12 अक्टूबर 2011 को कंसार सिटी में ये पाइथन खोजा गया था। ये सांप 25.2 फीट लंबा था और उस समय इसे दुनिया का सबसे लंबा सांप समझा जाता था। इस सांप की उम्र लगभग 10 साल थी और इस सांप को उठाने के लिए दोस्तों 15 आदमियों का सहारा लेना पड़ा था। इस सांप को पकड़े जाने के बाद इसे फूनूम नाम की एक कंपनी ने एडॉप्ट किया था और उन्होंने इस सांप को मेडुसा नाम दिया था, जिसे खाने के लिए खरगोश और हिरण जैसे जानवर दिए जाते थे। नंबर 4, मलेशियन पाइथन। दुनिया का सबसे लंबा पाइथन मलेशिया के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिला था, जिसकी लंबाई 26.2 फीट थी। लेकिन इसके पकड़े जाने के 3 दिन बाद ही अंडे देने के दौरान इस सांप की मृत्यु हो गई थी। मलेशिया में पाया गया यह सांप एक पिकअप ट्रक से भी लंबा था। आमतौर पर ऐसे ट्रकों की लंबाई 19.3 फीट होती है और यह सांप मेडुसा सांप से भी लंबा था, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है। और ऐसा माना जाता है कि इस तरह का सांप एक बार में 75 अंडे दे सकता है। नंबर 5, कोंगो स्नेक। सन 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेल्जियम के फाइटर हेलीकॉप्टर के एक पायलट ने मिशन से वापस आते समय अफ्रीका के कांगो देश के जिले में उन्होंने एक बहुत बड़ा जीव रेंगते हुए देखा। लेकिन जब तक वो इस जीव को सही से देख पाते, उनका हेलीकॉप्टर आगे निकल चुका था। लेकिन उनको जिज्ञासा हुई उस चीज को देखने की, तो उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर वापस घुमाया। तब उन्होंने देखा कि यह जीव एक बहुत बड़ा सांप था। उस समय उन्होंने ऊंचाई से इस सांप के फोटो भी लिए, लेकिन उन्होंने इसको करीब से देखने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को कम ऊंचाई पे उड़ाने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही वह हेलीकॉप्टर सांप के करीब पहुंचा, तो सांप ने उन पर हमला कर दिया।
पायलट का यह दावा था अगर वह उस समय वहां से नहीं भागते तो यह सांप उनके हेलीकॉप्टर को निगल लेता। बाद में उन तस्वीरों का अध्ययन करके इस सांप की लंबाई का अंदाजा लगाया गया तो उससे पता लगा कि यह सांप लगभग 100 फीट के आसपास का रहा होगा। तो दोस्तों ये थे दुनिया के सबसे विशाल काय सांप। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही एक अद्भुत जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।